हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी। दोस्तों, हर साल लाखों स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन इंडिया में केवल कुछ ही छात्र MBBS में एडमिशन ले पाते हैं। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी कि MBBS इंडिया के सबसे प्रिफर्ड और प्रेस्टिजियस कोर्स में से एक है। MBBS की डिग्री पूरी करके कैंडिडेट्स डॉक्टर बनते हैं। MBBS कोर्स की स्टडीज एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि डॉक्टर बनाने वाले इस कोर्स के हर स्टेप पर स्टूडेंट्स को किसी न किसी फॉर्म में चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज़्यादा टफ टास्क होता है इसमें एडमिशन लेना। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपका करियर कोर्स के साथ साथ उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर भी डिपेंड करता है जहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप MBBS करने के लिए एक बेस्ट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो माइट बी फ्यूचर में आपको वो ग्रोथ और सक्सेस ना मिल पाए जो कि आप डिजर्व करते हैं। इसलिए अपने MBBS करने के लिए आपको एक बेस्ट कॉलेज का सिलेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आपको इंडिया के टॉप 10 MBBS कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, ये कॉलेज हमने NIRF रैंकिंग के थ्रू चूज़ किए हैं। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एक मेथोडोलॉजी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है। ये बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एक मेथोडोलॉजी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है। ये बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट्स को रैंक प्रोवाइड करती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स को चूज किया है। NIRF की रैंकिंग नंबर 1 पे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो है एम्स दिल्ली। यानी कि दोस्तों, अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो इंडिया का जो टॉप कॉलेज आता है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। यहाँ से आप अपना MBBS कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको नीट में काफ़ी अच्छी रैंक लानी पड़ती है, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं NIRF रैंकिंग 2 की। इसमें आता है PGIMER चंडीगढ़, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। ये NIRF की रैंकिंग में नंबर 2 पे है। दोस्तों, हमारा अगला मेडिकल कॉलेज है जो कि NIRF की रैंकिंग 3 पे आता है, वो है CMC वेलोर यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। ये दोस्तों तमिलनाडु में है, यहाँ से भी आप अपना MBBS कर सकते हैं। दोस्तों, NIRF की रैंकिंग 4 पे है निमहंस बेंगलोर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु। अगर आप बेंगलुरु से MBBS करना चाहते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, रैंकिंग नंबर 5 पे है VHU वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। यहाँ से भी आप दोस्तों MBBS कर सकते हैं। NIRF रैंकिंग 6 पे है JIPMER पुडुचेरी, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। दोस्तों, NIRF रैंकिंग 7 पे है SGPGIMS लखनऊ यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है MBBS करने के लिए। रैंकिंग 8 की बात करें तो इस पे है अमृता विश्वविद्यापीठम कोयम्बटूर। अब दोस्तों, बात आती है NIRF रैंकिंग 9 की। इसमें आता है SCTIMST त्रिवेंद्रम। इसका फुल फॉर्म है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दोस्तों 9th नंबर पे है यानी कि इसकी रैंक है 9। यहाँ से भी आप अपना MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों, लास्ट में बात आती है NIRF रैंकिंग 10 की। इसमें आता है KMC मणिपाल कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, ये भी MBBS करने के लिए काफी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। दोस्तों, ये सभी इंस्टीट्यूट NIRF 2022 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमने आपको बताई है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ हमने आपको टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स बताए हैं, आप इनमें से किसी भी एक कॉलेज से MBBS कर सकते हैं और अपने करियर में और भी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं।
दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।